There is a traitor in one of the intelligence agencies. You go down this road, the FBI, the CIA, they're all gonna come for you. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म बफ बेबी के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पे हम लोग आज बात करेंगे नेटफ्लिक्स की अपकमिंग फिल्म द ग्रे मैन के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने इससे पहले एवेंजर्स सीरीज को बनाया था, कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस फिल्म ने। ये फिल्म एक टू पार्ट फ्रेंचाइजी होगी जो कि नेटफ्लिक्स पे आपको देखने को मिलेगी, और इस फिल्म की लीड कास्ट जो है वो काफी बड़ी है, जिसमें आपको रायन गोसलिंग, क्रिस इवांस, चार्लिज थेरॉन, धनुष और एना डी एरमास जैसे बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे। और धनुष के इस फिल्म में होने से हम इंडियंस के लिए ये फिल्म और भी ज्यादा स्पेशल हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो बजट है वो काफी हाई एंड और काफी ज्यादा होने वाला है, और इस फिल्म का बजट 200 मिलियन से भी ज्यादा होने वाला है, और इस फिल्म को जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी के लेवल की बनाई जा रही है। तो दोस्तों, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये फिल्म कैसे निकल के आती है। और जैसा कि रूसो ब्रदर्स ने इससे पहले एवेंजर्स जैसी बड़ी फिल्म को बनाया है, तो हमारी यानी कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म आपको 2022 में देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।